अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। विकास दुबे मामले में फिर नया मोड़ आया। बीएसपी नेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ के थाना क्वारसी पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर सुर्खियों में बिकरू कांड। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी लोग उठा रहे हैं सवाल। विकास दुबे मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और एक बार फिर विकास दुबे के मामले को लेकर सवाल यूपी की सियासत में तेज हो गए हैं। सियासी सवालों के निशाने पर इस बार न बीजेपी है और न ही समाजवादी पार्टी, बल्कि इस बार निशाने पर बीएसपी है और लोग मायावती पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि विकास दुबे मामले से जुड़े एक अहम पहलू की वजह से बीएसपी का एक नेता गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ के क्वारसी थाना पुलिस ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया, जिसके बाद विकास दुबे मामले को लेकर सुर्खियां फिर से बनने लगी। वहीं लोग मायावती से सवाल कर रहे हैं कि हर मुद्दे पर बीजेपी को मूक समर्थन देने वाली मायावती की ही पार्टी पर अब योगी की पुलिस शिकंजा कस रही है। अब मायावती क्या विरोध करेंगी या समर्थन देंगी? सोशल मीडिया पर पार्टी के ही कई नेताओं ने सवाल उठाए, लेकिन मायावती मामले पर फिर से मौन दिखाई दी। दरअसल जिस नेता की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम सद्दाम हुसैन है, जो अलीगढ़ के जमालपुर से पार्षद है। सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी विकास दुबे के सरेंडर और महाकालेश्वर मंदिर के कनेक्शन को लेकर हुई। लंबे अरसे से सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की मांग चल रही थी और वो लगातार फरार बताया जा रहा था, लेकिन अब सद्दाम हुसैन पुलिस की हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के लिए जब भी कोशिश की जाती थी तो वो अपने ठिकाने से फरार हो जाता था। पुलिस कई बार उसकी लोकेशन को ट्रेस करती रही, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देने में सफल रहा। लेकिन आखिरकार कानून के लंबे हाथों की पकड़ में बीएसपी पार्षद सद्दाम हुसैन आ ही गया। बीएसपी नेता की गिरफ्तारी के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था और मामले में आरोपी पार्षद की गिरफ्तारी न होने से नाराज हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने क्वारसी थाने का घेराव कर विरोध भी किया था। ऐसे में पुलिस पर लगातार पार्षद सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ रहा था। सद्दाम हुसैन पर महाकालेश्वर मंदिर को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा आरोपी के खिलाफ फूटा था। दरअसल कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पकड़े जाने के बाद बीएसपी पार्षद सद्दाम हुसैन ने महाकालेश्वर मंदिर को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। पार्षद ने मंदिर को आतंक का अड्डा बताया था और जब ये टिप्पणी सामने आई तो फिर हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोलते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी थी। तब से लेकर अब तक लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी। अब जाकर पुलिस को मामले में सफलता मिली तो सभी ने राहत की सांस ली। आरोपी पार्षद से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने ऐसी अभद्र टिप्पणी क्यों की। वहीं आरोपी की माने तो उसकी आईडी को किसी ने हैक कर लिया था और हैकर ही उसकी छवि को खराब करने के लिए इस तरीके के कमेंट और पोस्ट कर रहा था। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर आरोपी गलत नहीं था तो फिर पुलिस से भागता क्यों फिर रहा था और लोकेशन क्यों बदल रहा था। वहीं तमाम हिंदूवादी संगठनों ने अब मायावती पर निशाना साधा और सवाल किए हैं कि आपकी पार्टी के नेता इस तरीके की शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं और मैडम मायावती शांत हैं, आखिर क्यों? क्या मायावती अपने नेताओं को ये सब करने के लिए संरक्षण दे रही हैं या मायावती देश की एकता और अखंडता को बदनाम कर 2022 के लिए अपनी राहें आसान कर रही हैं? लेकिन हर सवाल पर मायावती का सिर्फ एक जवाब है और वो है मौन। मायावती की तरफ से अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही किसी पार्टी नेता ने अब तक इस मामले पर कोई सफाई पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।